समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। अशोकनगर, अशोकनगर जिले के नगर साढ़ौरा में माता रानी के नवरात्रों में विशेष रौनक देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं द्वारा भारी संख्या में मां दुर्गा के दर्शनों की आस जगी है। इस तरह से हजारों भक्तों का तांता मां के दरबार में प्रतिदिन लगा हुआ है। मां दुर्गा 9 दिन आकर इस शारदीय नवरात्रि में विराजमान होती हैं और अपने भक्तों के संकटों को दूर कर उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण करती हैं। इसी तारतम्य में अस्तर मोहल्ला में नारायण दास झांकी समिति के द्वारा मां दुर्गा की आकर्षक झांकी सजाई गई है, जो कि जनमानस के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि यहां मां महिषासुर मर्दिनी मां के रूप में विराजमान है और लाइटिंग की विशेष हटकर अलग से रोचक व्यवस्था की गई है। नारायण दास झांकी समिति के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह झांकी नारायण दास जी के तपोस्थली स्थल पर लगाई जाती है। नारायण दास एक पहुंचे हुए संत थे, जिन्होंने जीवित अवस्था में समाधि ली थी, जिनकी समाधि स्थल आज भी कुंडलपुर साढ़ौरा में मौजूद है, जहां लोगों की विशेष आस्था है। नारायण दास संत ने अपनी पुण्य प्रताप से एक बार एक घमंडी राजा की सेना को भेड़ बकरी बना दिया था और एक बार एक निर्जीव चबूतरे को चलने का आदेश दिया था तो वह चलने लगा था। लोगों का मानना है कि आज भी संत नारायण दास परेशान मजबूर लोगों की सहायता करते हैं। इसी क्रम में साढ़ौरा नगर में दर्जनों मां की झांकियां लगाई गई हैं, जो सदर बाजार, पंडापुरा, बस स्टैंड, अस्पताल प्रांगण, पेट्रोल पंप, कुंड मोहल्ला, बड़ी माता, शीतला माता मंदिर, अस्तल मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस के सामने, महल मोहल्ला, खड़िया मोहल्ला स्थित छोटी माता मंदिर, इंदिरा कॉलोनी, स्टेशन रोड पर लगाई गई है। इस समय बारिश का दौर लगातार जारी है, फिर भी झांकी समिति के सदस्यों द्वारा कड़ी मेहनत कर दिन ब दिन सजावट की जा रही है। माता रानी के नवरात्रों में चारों ओर मां की धूम और मां की जय जयकार के उद्घोष सुनाई दे रहे हैं और मां से भक्तजन प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ, हम दीनहीन बेसहाराओं पर अपनी कृपा बनाए रखना। खबर समय जगत के लिए अशोकनगर से ब्यूरो चीफ रेखा नामदेव की रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं अस्थल मोहल्ला स्थित, अस्थल मोहल्ला झांक एक की प्राचीन नगर साढ़ौरा के अंतर्गत ये अस्थल मोहल्ला बहुत ही प्राचीन मोहल्ला माना जाता है और यहाँ पर बरसों से माँ की आराधना के लिए अस्थल मोहल्ला वासी बड़े ही जोर शोर से और आकर्षण के साथ रौनक के साथ झांकी सजाती हैं। आइए बात करते हैं नारायण दास झांकी समिति के सभी सदस्यों। आज ये झांकी 1990 से लगाई जा रही है। ये जो अस्थल मोहल्ला है और साढ़ौरा नगरी जो है ना, नारायण दास की नगरी कहा जाता है इसको। 1990 से झांकी को लगाया जा रहा है और नारायण दास समिति द्वारा लगाया जा रहा है 1990 से। और आपका जो ये जिसमें सदस्य कितने हैं झांकी में? 25, कम से कम 25 सदस्य हैं इसमें। अच्छा। जो लगभग हर साल अपनी मेहनत से इसका योगदान देते हैं, अच्छे से करते हैं, लगन अपनी प्रतिभा को बताते हैं, लगन करते हैं, लगन से मेहनत करते हैं, प्रेम भाव से मैया की झांकी को लगाते हैं। कृपया 25 सालों से यहाँ के सभी सदस्य बूढ़े हों, युवा हों, सब मेहनत करते हैं और झांकी को उत्साह बढ़ाते हैं और रौनक बढ़ाते हैं। अच्छा, आप बताइए डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो झांकी लगाई जा रही है 9 दिन के लिए, तो माता जी से आप सबकी क्या प्रार्थना है, सबके लिए क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? माता जी से यही चाहते हैं कि देश में अमन चैन बना रहे और हमारी नगरी में सुख चैन रहे। पूरा देश एक अभी जो किसानों का जो बरसात में नुकसान वगैरह हो रहा था, वो सब किसान सुखी रहे, सब सुखी रहे पूरा देश, बस यही चाहते हैं माता जी से। ये जो नवदुर्गा मैया की झांकी आपके यहाँ सजाई जा रही है, इसके लिए झांकी समिति, नारायण दास झांकी समिति जो आती है, उसके लिए आप सबके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? युवाओं के लिए सिर्फ एक ही प्रेरणा है कि मैया की झांकी लगाने से ये नहीं है कि हम सब नहीं लगा सकते, सब लगाएं। इससे क्या है, देश में भावना पैदा होती है, भगवान के प्रति एक आदर सबको पता चलता है कैसे क्या होता है, सबको मेहनत से पता चले क्या करना है, क्या कर सकते हैं देश के लिए। और देश के लिए ये चल रही है कि बालिकाओं के लिए अभी देश में क्या ज़्यादा योगदान नहीं करते, बालिकाओं के लिए क्या समझते हैं, घर के लिए क्या समझ रहे हैं कि ये पाप है हमारे लिए पैदा हो गई। बालिका माता की झांकी सब समझ सकती हैं कि इससे कि बच्ची भी हमारे घर के लिए
आदर्श हैं, उनसे क्या सीख सकते हैं, वो अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं, गौरव कर रही हैं, ऐसा हमें भी सीखना चाहिए सबको। ये जो झांकी समिति है, झांकी समिति का नाम क्या है? नारायण दास सेवा समिति है, जो इस झांकी के नाम से जैसा कि नाम है नारायण दास, ये नारायण दास जी कौन थे और इनका क्या इतिहास है? नारायण दास जी संत थे और इन्होंने साढ़ोरा से 3-4 किलोमीटर दूर तक के लिए एक चबूतरा चलाया था, जो कि बड़ा काम है और उन्हीं के उस काम के लिए कोई साढ़ोरा जाना जाता आए थे, शेर पे बैठ गए और कुंडलपुर के बाग पर रुके थे, चणुराग रास्ता पर आए और फिर उन्होंने निमंत्रण किया था जी नारायण दास जी को, ये सुबह सुबह उठ कर अपना मंजन दाल माल। तो आज भी वो अपने पूरे देश, पूरे भारत और पूरे मध्य प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं, नारायण दास के नाम से सावड़ा नगरी का नाम प्रसिद्ध है श्री नारायण दास जी के नाम से। आज हम खड़े हैं अस्थल मोहल्ला स्थित साढ़ोरा नगर, जो कि एक तहसील स्तर का दर्जा रखता है, नगर परिषद का दर्जा रखता है, वहाँ पे लगभग 20,000 की लगभग संख्या निवास करती है। ये बहुत ही प्राचीन माना जाता है, यहाँ पर एक संत थे नारायण दास जी, जिन्होंने एक जीवित अवस्था में समाधि ली थी और ऐसी किंवदंती है, कहा जाता है, हमारे बुजुर्गों ने बताया, अभी झांकी समिति के सदस्यों ने भी बताया कि उन्होंने एक चबूतरी को आदेश दिया था चलने का, तो वो चबूतरी चल दी थी। तो ऐसे महान संत थे नारायण दास जी और आज हम जहाँ पर खड़े हैं वो नारायण दास जी का स्थल ही है, इसलिए उनके नारायण दास जी के नाम से माँ दुर्गा की या 9 दिन आराधना की जाती है, उनकी झांकी सजाई जाती है। अस्थल मोहल्ला स्थित नारायण दास झांकी समिति से हमने सभी सदस्यों से बात की, उन्होंने इतिहास के बारे में बताया। मैं रेखा नामदीप जी, ब्यूरो कैमरामैन सतीश के साथ।